A tap A can fill a cistern in 4 hours and the tap B can empty the full cistern in 6 hours. If both the taps are opened together in the empty cistern, in how much time will the cistern be filled up? तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए टैप किसी सिस्टर्न को 4 आवर्स में फिल करता है, वहीं टैप बी उसी सिस्टर्न को 6 आवर्स में एम्प्टी कर देगा। अगर दोनों टैप्स को ओपन कर दिया जाए तो वो सिस्टर्न कितनी देर में फिल होगा? तो इसके लिए हम ए और बी का नेट वर्क डन निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोनों के द्वारा 1 आवर का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय ए इन 1 आवर। अब टाइम का इन्वर्स या टाइम का रेसिप्रोकल वर्क होता है तो यह आ जाएगा 1/4। सिमिलरली वर्क डन बाय बी इन 1 आवर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1/6 क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। अब यहाँ पे इनका नेट वर्क डन निकाल लेते हैं। नाउ नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस ये माइनस का 1/6, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 -1/6 आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 3 - 2 डैट इज़ 1/12। अब ये 1 आवर का नेट वर्क डन था तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम आ जाएगा। सो द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न इज इक्वल्स टू 12 आवर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा।